चंद दिनों की ही बात है जब कोरोना को लेकर टूलकिट पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सीधा आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी पर कि उन्होंने महामारी के नाम पर हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी का एक टूलकिट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पैंडेमिक है, उस पैंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूलकिट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान। संबित पात्रा ने 18 मई को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक टूलकिट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कांग्रेस बिगाड़ने का काम कर रही है। पात्रा ने यह भी लिखा था कि कांग्रेस एक पीआर एक्सरसाइज कर रही है जिसके जरिए कुछ बुद्धिजीवियों की मदद से सरकार के खिलाफ माहौल बनवाया जा रहा है। कांग्रेस की शिकायत के बाद ट्विटर ने अपनी जाँच में पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कैटेगरी में मार्क कर दिया है। झूठे कागज को कांग्रेस का बताकर उसके ऊपर चर्चा की जा रही थी, एक झूठ फैलाया जा रहा था, उसका पर्दाफाश आज हो गया है। आज ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देकर साबित कर दिया कि ये लोग कितना झूठ फैला रहे हैं। साथियों, हमको मिलकर इस प्रकार के जो झूठ है उसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा, गाँव कस्बों में लोग बहुत परेशान है, कोरोना से जूझ रहे हैं, इसलिए आप मेडिकल किट और राशन किट पता लगाइए कहाँ पे है, वो ज्यादा जरूरी है, जिससे लोगों की जानें बच जाएंगी। देश बीमार है, लोगों को मदद मिलेगी इससे। ट्विटर के एक्शन के बाद अब कांग्रेस और विपक्ष को बीजेपी पर धावा बोलने का जबरदस्त मौका मिल गया है। संबित पात्रा के ट्वीट पर एक्शन को लेकर ट्विटर ने कहा है कि वो लगातार निष्पक्ष तरह से काम कर रहा है और किसी भी ट्वीट के कंटेंट के आधार पर जो नियम है उस पर एक्शन लिया गया है। टूलकिट केस को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने संबित पात्रा के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। कहीं ऐसा न हो कि पात्रा की कानूनी मुश्किल भी बढ़ जाए। फिलहाल पहला दौर तो कांग्रेस के हक में दिख रहा है, लेकिन अब बीजेपी भी अपना पक्ष रखने की जरूर तैयारी कर रही होगी, क्योंकि यह मामला सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी की छवि, पार्टी के आरोप और पार्टी के दावे से जुड़ा है। आज तक ब्यूरो।